अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग हाजिर हैं फिरोज़ शाकिर के पास। माशाल्लाह से इनको शुरू में आपका इनका शौक़ दिखाया था तकरीबन 7-8 महीने पहले, और माशाल्लाह से अब आपको दोबारा इनका शौक़ दिखा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल नागरा फार्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो और शौक़ जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और अभी फिरोज़ भाई का माशाल्लाह से सारा शौक़ आपको दिखा दें। फिरोज़ भाई दरवाज़ा खोलिएगा ज़रा, ये माशाल्लाह ज़रूर कहेगा आप लोग। सारा गुलाबी का माल है और सारी बकरियां जो है टॉप क्वालिटी में है, एक से बढ़कर एक। माशाल्लाह ज़रूर कहेगा जो जो वीडियो देख रहे हैं। ये देखें चेहरे की, देखें आप भेल की, देखें कान की लंबाई, हर चीज़ में ये जो बकरियां हैं पूरी हैं। और अभी फिरोज़ भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, फिरोज़ भाई के शौक़ के बारे में इनसे भी मालूमात करते हैं। और अभी जो करंट इनके पास चीज़ें आपको जो टॉप क्वालिटीज़ की, माशाल्लाह सारा माल ही टॉप क्वालिटीज़ का है, लेकिन जो जो सबसे इन टॉप में भी टॉप है वो आपको ज़रूर दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या चाल है फिरोज़ भाई? शुक्र राय भाई। फिरोज़ भाई बड़े अरसे बाद आपके पास दोबारा आने का टाइम मिला और आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी आप लास्ट टाइम आए थे, ये बकरियाँ ब्याई थी, अब ये बच्चे वो बड़े भी हो गए और अब दोबारा ब्याने पर हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये देखें बकरियाँ, मैंने कुछ पट्टियाँ आपको दिखाई थी, एक फिरोज़ भाई की तकरीबन 25-30 दिन की पट होगी अगर आप लोगों को वो याद हो वो वीडियो, तो उसकी धुम कटी थी। अभी वो मैंने देखी माशाल्लाह से, वो भी जो है दोबारा गब्बन हुई है, दोबारा नहीं मतलब गब्बन हुई हुई है, और माशाल्लाह से उस टाइम जो बच्चे थे वो भी तैयार हो गए। और अभी ज़्यादा जो इनका शौक है वो आपको मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले धुम कटी दिखाता हूँ, बहुत छोटी थी। ये देखें फिरोज भाई, वहाँ पीछे से आएगा, वहाँ पीछे से आएगा, ये देखें ये धुम कटी बहुत ही नयाब चीज। फिरोज भाई सब करेगा, ये देखें फिरोज भाई थोड़ा चेहरे सब करेगा, ये देखें थोड़ा उधर, ये देखें फिरोज भाई एक स्टेप आगे लेगा, बकरी को आगे लेगा, या बस ये देखें धुम। ये वो बकरी पट है जो आपको मैंने दिखाई थी छोटी होते हुए, तकरीबन महीने की भी नहीं थी और उसकी धुम नहीं थी। आज माशाल्लाह थी फिरोज भाई ने एक तो शौक संभाल के रखा हुआ है, और ये देखे ये कुदरती जो है इसकी धुम है ही नहीं, झुम कटी में भी लग गई, अभी बच्ची है, अभी दांत भी नहीं कर रहे हैं, अभी खीरी है, लेकिन ये चीरा मार लग गई। आप पलाई देखें माशाल्लाह से सबसे पहले, और क्वालिटी देखें फिरोज भाई, क्या आपने संभाल के रखी है इसकी कोई खास वजह? बस अपने घर की ब्रीड होती है, ज्यादातर कोशिश करता हूँ रखूँ। सही सेल पे मैंने लगाई थी लेकिन सही पैसे नहीं लगे तो फिर दी नहीं मैंने। सही लोग समझते भी नहीं है, बस वो यही समझ रहे होते हैं शायद आम माल है, मंडी का माल है, 25,000-30,000 मैंने बेची नहीं थी। सही मैंने अपने घर में रख ली थी, मुझे पता था। माशाल्लाह से फिरोज भाई का जो माल है, आपको सबसे पहले मैंने एक बड़ी पट बकरी दिखाते हैं फिरोज भाई, सबसे पहले जो मैंने पहले भी दिखाई थी एक बार, और वहीं इसको क्रॉस में खड़ी कर लेगा, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहेगा आप लोग। फिरोज भाई थोड़ा सा पीछे करेगा, यहाँ से बकरी को अपनी तरफ करेगा, अभी तैयार है। चेहरा देखें आप, सिंह की पोजिशन, कान देखें आप, माशाल्लाह ज़रूर कहेगा। ये क्वालिटी वाली चीज़ें आपको अच्छी शौकीनों के पास ही दिखती हैं, और माशाल्लाह से फिरोज़ भाई ने बड़ा टाइम स्पेंड किया अपनी नस्ल बनाने में, संभालने में माशाल्लाह से। फिरोज भाई कितने टाइम की अभी लगी हुई है ये? ये मेरे हिसाब से 4 महीने से ऊपर की, 4 महीने से ऊपर की हो गई है जी, 1 महीना के करीब। सही, ये देखें ये क्वालिटी दिखाने का मकसद आपको आपकी शौक में इजाफा करना है। ये इसकी पहले की पट है, ये देखें उस टाइम भी शायद लगी हुई थी, ये जब उस टाइम लगी हुई थी तब तो इसके बच्चे नहीं दिखाई, लगी हुई थी ना ये शायद जी, ये जनवरी के एंड में ये पट भी आई। ये देखें माशाल्लाह से आपको ब्लड लाइन दिखा रहे हो, ब्लड लाइन समझा भी रहे कि एक तो बकरी और उसकी पट जो है वो भी संभाल के रखी हुई है, और इससे भी ब्रीड लेंगे ताकि जो शौक में है बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है वो आ सके। फिरोज भाई सबसे पहले अपने ब्रीडर दिखाएं जो भी आपके पास तैयार हो रहा है, और इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएगा। ये ब्रीडर के लिए लिया है अभी बच्चा, ये हमारे दोस्त मुश्ताक भाई ने लिया है, अभी मुश्ताक भाई से मेरे पास आया हुआ है। सही, ये जो मुश्ताक भाई के पास बकरा है कराची किंग, माशाल्लाह का बच्चा है, जबरदस्त, अभी बिल्कुल बच्चा है, 10-11 महीने का होगा, खीरा है 10 महीने का, इससे ऊपर का नहीं है। फिरोज भी कितना लेड़ में ये? यार मैंने राइवल्स के कान ही नापे, मेरे हिसाब से 23 इंच का होगा, 23 इंच होगा जी। माशाल्लाह से आपको मैं थोड़ा करीब जाऊं, और सिल्वेटी जैसे कराची किंग में मौजूद थी, ये देखें सेम चीज सेम नक्शा जो है सेम डिज़ाइन इसकी नस्ल में भी मौजूद है। झालर आप देखें तो जवाब नहीं है, अभी तो सिर्फ बच्चा है, जब ये अपने
उरूज पर आएगा। इसको एक रिंग है, एक रिंग है एक तरफ, और देखें पूरा कपला है, बाकी रोब देखें, कान की पट्टी देखें, झालर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर कहेगा। अच्छा फिरोज भाई ये अपलक भी दिखाएं जरा, सारी चीजें जो है आपको दिखा रहे हैं। फिरोज भाई इधर आएगा, इधर आएगा, ये अपलक पट ये देखें। वजीर के पास जो बकरा है ना चैंपियन, जी जी, ये उसकी पट है, जबरदस्त। ये देखें अभी उमर अप्पी भाई है हमारे, बहुत अच्छे शौकीन है, उनके पास है। अच्छा ये पैदा हुई थी, उस्मान ने खरीद ली थी, उस्मान भाई ने हमारे ऊपर मेहरबानी करी थी, सही जितने में उन्होंने ली थी उतने में मुझे दे दी थी, जबरदस्त। एक तो अबलक प्रिंट आना, उसके बावजूद झालर में नकोड के अंदर आना, बड़ी लिमिटेड ये क्वांटिटी आपको देखने को मिलती है। और माशाल्लाह से फिरोज भाई ने बहुत अच्छी इसकी पलाई की हुई है, प्रिंट जबरदस्त है। फिरोज भाई थोड़ा सा, हाँ ये देखें आप, माशाल्लाह। अच्छा फिरोज भाई पीछे वो खड़ी अनमोल चेहरा देखें आप जरा, ये इधर घुमा लें इसको, ये देखें आप माशाल्लाह, ये अमीन गोडल भाई ने मुझे गिफ्ट करी है। ये देखें आप, आपको जो बकरियां दिखा रहा हूँ ये आम आपको नहीं दिखती, बहुत ही कम शौकीनों के पास है। और माशाल्लाह से फिरोज भाई के पास ये देखें क्वालिटी में मौजूद है। अभी इससे अच्छा चेहरा क्या होगा आप लोग खुद बताएं जरा। इस वक्त पूरे सिंध में इससे अच्छा चेहरा नहीं होगा, बेशक गारंटी। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये पट कैसी लगी। रवि छोड़ेगा, ये देखें सिंह की पोजीशन, चेहरा झालर, ये देखें भेल भी देखें आप, माशाल्लाह से अनमोल पट है। और इसको मैंने बिल्कुल छोटे से तकरीबन महीने के तब से मैं इसको देखते आ रहा हूँ। पहले आपको एक बकरी याद होगी, जब आपने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो आपने कहा था बकरे नुमा बकरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी बकरी थी फिरोज भाई के पास, ये उसकी पट है, ये उस टाइम वो भी लगी हुई थी। और अभी माशाल्लाह से ये इसकी माँ मर गई मेरे पास, चेहरा देखें आप, लेकिन ये मेरे पास एक निशानी आ गई उसकी। फिरोज भाई को सलूट है माशाल्लाह से, जो इन्होंने चीजें संभाल के रखी हुई है और शौक जो है भरपूर कर रहे हैं। इसकी माँ जब मरी तो वो भी बेचारी क्या बन थी, पहले बच्चे फेंके। अच्छा जी, लेकिन मेरे पास अभी उसकी एक निशानी। फिरोज भाई माशाल्लाह से शौक आपका पहले भी लाजवाब था और अभी मजीद आपने जो इंक्रीज कर लिया, ये वाली ले आएगा फिरोज भाई, ये वाली भी ले आएगा, वो पीछे वाली भी ले आएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा शौक। और आपको जितनी बैठे दिखा रहे हो ज्यादातर कपली है पूरी स्पॉट में। उस्ताद वजीर से ली थी, ये भी मुश्ताक भाई वाला जो बकरा है ना कराची किंग, जी जी, उसकी पट है ये कराची किंग की पट है। चेहरा देखें आप, ये उस्ताद वजीर लेकर आए थे कहीं से। फिरोज भाई इसको इस तरह घुमाएगा ताकि लाइट इसके फेस पे पड़े, ये देखें सारी बकरियां जो है माशाल्लाह से, चेहरे नकोट की, कान की, आप साइज देखें, पट्टे हैं अभी ये खीरी, और आप क्वालिटी देखें माशाल्लाह से। बहुत अच्छा शौक करते हैं फिरोज भाई कराची में जो है शौक करें। और माशाल्लाह से बड़ी हसीन हसीन बकरियां जो है इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। ये वजूद बहुत कम देखने को मिलता है, जो आपको मेरी पहली बकरी दिखाई, ये देखें, ये लास्ट टाइम आपने जब ये माँ बेटियाँ तो ये बिल्कुल छोटी थी, मैंने दिखाया था माँ बेटियाँ, ये देखें फिरोज भाई ने ब्लड लाइन संभाल के रखी हुई है। और ये माँ बेटियाँ इनकी जो पहले आपको दिखाई थी तभी छोटी थी, तभी छोटी थी, अब माँ के ऊंची हो गई है। ये देखें ब्लड लाइन आपकी अच्छी हो तो जाहिर सी बात ये बकरियाँ रुकती भी है और रोकने का दिल भी करता है। माशाल्लाह 24 इंच से क्रॉस है बेटी इसकी, जबरदस्त, समंदर से क्रॉस हुई हुई थी इसकी माँ, तब मैंने वजीर उस्ताद से ली थी। ये देखें ये इसकी माँ है, इसकी एक और बच्ची भी है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। और ये जो है इसकी पट है माशाल्लाह, इसकी एक और बहन है वो भी दिखा रहे हैं फिरोज भाई, ये इसके बाद की है। जी जी, ये जब आप आए हुए थे तब इसकी भी वीडियो बनाई थी, तब तो छोटी थी, घूम रही थी। थोड़े से आगे करेगा इसको, माशाल्लाह ये भी इसी की बहन है, जो भी माँ है उसकी। ये भी समंदर से? नहीं नहीं, ये समंदर के भाई से, गोल्डन से। अच्छा गोल्डन से थी, जो फिरोज भाई का पुराना ब्रीडर था, ब्रीडर था ना आप देख, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा फिरोज भाई वो छोटी वाली पट भी ले आ गए, एक टिक्के वाली जो है ये वाली, ये छोटी वाली, एक ये, हाँ ये रह गई, एक ये पट मैंने अभी उस्ताद वजीर से ली थी। अच्छा ये वजीर उस्ताद से इन्होंने ली थी। और ये देखिए कानों में 23 इंच है, लोगों के पास 23 इंच में ब्रीडर खड़े होते हैं माशाल्लाह से, फिरोज भाई के पास 23-24 इंच में,
पटे घड़ी अभी तो ये तैयार होंगी। अभी तो ये मेरे ख्याल से जो उस्ताद अजीम ने मुझे बताया उस हिसाब से ये इसकी उम्र 9 महीने होगी। 9 महीने में कल इतना किया हुआ है, 9 महीने ये देखें 9 महीने पलने का हिसाब किताब। मेरे पास जो माल पलेगा और जो सिंध में माल पलेगा उसका फर्क होता है। ये तो बिल्कुल है, ये हमने खुद भी इसको ऑब्जर्व किया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा माहौल अलग है, कच्चे में घूमना फिरना जल्दी माल फल फूल जाता है। माशाल्लाह, फिर इसको घुमाएगा जरा, इस पट को जरा घुमाएगा, ये देखो कानों में माशाल्लाह ये फुल है। फिरोज भाई ने बहुत अच्छा शौक किया हुआ है, झालर इसकी ऐसी है जैसे बकरों को झालर होती है, जबरदस्त। ये आपको मैं यहाँ से दिखाऊं थोड़ा, ये देखें जबरदस्त शौकीन और जबरदस्त शौक आपको दिखा रहे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। फिरोज भाई वो छोटी वाली पट भी लेकर आएगा, वो भी हम दिखाएं अपने दोस्तों को। ये पट भी उस्ताद वजीर से ही मैंने लिए, ये माशाल्लाह ये भी कानों में तकरीबन 22.5-23 इंच है और अभी 11 महीने की है। बहुत जबरदस्त चेहरा देखें, झालर देखें, सिंह की पोजीशन, सब क्वालिटीज एक बकरी में होना और इतनी क्वांटिटी में माशाल्लाह से फिरोज भाई के पास है। फिरोज भाई के माल के लिए सबसे पहले तो आप लोग माशाल्लाह जरूर कहेगा, अल्लाह इनके माल में मदीद छोटी बच्ची ली बरकत दे। अच्छा फिरोज भाई इसकी थोड़ी मार्केट प्राइस भी बताएं कि मार्केट प्राइस। यार राहिल भाई देखें हर किसी का अपना अपना होता है, अब इसकी क्या मार्केट प्राइस है, शॉप के हिसाब से होगी, कम से कम भी 1.5 से 2 लाख रुपए इसकी मार्केट प्राइस होगी। देखें माशाल्लाह से ये मेरे हिसाब से जो है कम रेट बता रहे हैं फिरोज भाई, लेकिन मेरे हिसाब से 2 के ऊपर की ही है पट और बहुत जबरदस्त। अपने अपने हिसाब से होता है, लेकिन मैं आपको इस वक्त की मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, मरे से मरा भी 1.5 से 2 लाख रुपए की है। जबरदस्त। अच्छा फिरोज भाई वो छोटी वाली पट लेकर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, वो मेरे घर की ब्रीड है। अच्छा अब मेरे तक मैं 3-4 ब्रीड तो दिखाएं जो जब यहाँ जिनकी माएँ भी खड़ी हैं और उनकी बच्चियाँ भी खड़ी हैं, ये देखें मेरे पास तीसरी इसकी क्लच है। अच्छा इसकी माँ मेरे पास 3 दफा बच्चे दे चुकी। अच्छा, है जो 3 जनरेशन जो है इनके पास। धूम कटी जो आपने पहले दिखाई ना, जी जी, इसकी समझे माँ की तरफ से सगी बहन है, सगी बहन है, धूम कटी की बहन है। जबरदस्त। ये समंदर से मेरी क्रॉस करवाई थी। अच्छा तो ये जून में पैदा हुई है मेरे। ये देखे चेहरा आप देखें, ये जब बड़ा हो गया तो इंशाल्लाह जिस तरह अनमोल का चेहरा है उसी तरह करेगी फिरोज भाई इंशाल्लाह। ये देखे मैं आपको दिखाऊँ की आप किस तरह पहचान कर सकते हैं छोटी होते हुए चीज। नाक देखो, ये देखें नाक गोल है, अभी देखें किस कंडीशन में है। ये जो पैदाइशी थी ना तो इसके कान 13 इंच थे, पैदाइशी 13 इंच कान। सही सही, अभी मेरे साथ मैंने नापे नहीं है, पैमाइश नहीं करी, इसके कान होंगे 19 इंच के करीब। बिल्कुल ऐसे लग भी रहे, मैं आपको दिखाता चलूं, ये देखें जबरदस्त। ये आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखें शौक की कदर आपको तब आएगी जब आप सीखने की एक तो चाह रखते होंगे। ये पट इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसी ज़रूर बनेगी, हो सकता है इससे ऊपर जाए लेकिन कम नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहन थी, अच्छा वो कानों में 14 इंच थी, वो बहुत नायाब थी, उसकी पैदाइशी ना गर्दन में इधर हड्डी निकली थी, क्या था, अच्छा बकरी ने मारा था क्या हुआ, सही। बहरहाल जब वो पैदा हुई ना तो उसकी यहाँ पे हड्डी निकली थी, वो सरवाइव नहीं करी, 1 महीने में ही मर गई। अच्छा, लेकिन वो इससे भी अच्छी थी कानों में, जबरदस्त। और चेहरे में, चेहरे में भी इससे बहुत अच्छी थी, लेकिन ये अब माशाल्लाह आप देखो नस्ल भी यही होता ना, देखे ब्लड लाइन में यही होता है, आगे जब ये पैदा हुई थी तब इतनी अच्छी नहीं थी, सही, अब ये जितनी अच्छी अब हो गई है ना। इसकी माँ भी आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा इसकी माँ भी दिखा दे, एक मिनट लगे, इसकी माँ ये देखें, कटी की भी माँ यही है। अच्छा और इसकी भी माँ ये देखें, 3rd जनरेशन जैसे बात हम कर रहे थे। ये बकरी ये मैंने उस्ताद वदीन से ली थी, बचपन में थी, 7 महीने की होगी तब मैंने ली थी। सही सही सही, देखें इसको इतनी झालर वगैरह नहीं है, लेकिन जब इसके बच्चे पैदा होते हैं ना वो जबरदस्त है। अच्छा अगर यही है कि कुछ बकरियाँ जो होती है बाहर दिखने में अच्छी नहीं होती लेकिन ब्लड लाइन के जबरदस्त होती है तो बच्चे अच्छे बनाती हैं। ये मंगरियों वाली बकरी है, मंगरियों के पास एक मशहूर बकरी है सिंध मलूक, ये उसकी बेटी है। अच्छा आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा सिंध मलूक का, तो ये माशाल्लाह से उसकी ब्लड लाइन से फिरोज भाई के पास हमारे, और माशाल्लाह से फिरोज भाई ने अपने पास इसकी 3 जनरेशन जो है इनके पास अभी चल रही है। और माशाल्लाह से फिरोज भाई ने गुलाबियों का शौक बड़ा जबरदस्त किया हुआ है, अभी इन्होंने टेडियों का भी स्टार्ट किया, तो मैं आपको टेडियों का भी थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इनके पास जो टेडियाँ मौजूद हैं ये बिल्कुल जीरो साइज़। फिर मैं थोड़ा सा आगे लाएगा, बिल्कुल ये देखो साइज़ में देखो आप, मेरे हाथ से भी छोटी है ये एक दफा ब्याह चुकी है, अभी दूसरी दफा। अच्छा गब्बन है अभी, जी जी, ये देखें कोडू 0 साइज में जो कहते हैं,
फिर उस पर बैठे हुए तो एक घुटनों तक आ रही है, एक ये भी, ये निकल गई अभी। नहीं, ये इसकी बेटी तो नहीं है, ये मैंने खरीदी थी। अच्छा, कह रही टेडियो की बात हो रही है तो इन्होंने कहा मुझे क्यों भूल गए तुम लोग। इसको हटाएगा जरा, ये देखे माशाल्लाह से चंबी, माशाल्लाह। अभी उस काली की मैं आपको बेटी दिखाता हूँ, एक सेकंड वाला। ये भी काली की जो बेटी वो भी दिखा रहे हैं, जब तक आपको चंबी दिखा रहे हैं। माशाल्लाह से फिरोज भाई टैडिया भी जमा कर रहे हैं। ये इधर इधर ही जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हाथ कट होते हैं, ये रुकते नहीं हाथों में ना। हाँ नहीं, बिल्कुल वो आदत है ना कि लंबे कान से आप ग्रिप कर लेते हैं। ये तो जो पहले मैंने आपको बकरी दिखाई ना, ये उसकी बेटी है। जबरदस्त, ये भी अभी मेरे पास ज्ञापन है, इंशाल्लाह बस ये 20 से 25 दिन में बच्चे देंगे। अच्छा, तैयार है। एक ये मैंने ली थी छोटी टेडी, ये देखें, पिंक में है माशाल्लाह से, फुल कलर में, पिंक नोज में, ब्लैक प्रिंट के अंदर, जबरदस्त माशाल्लाह। तो फिरोज भाई क्या आप टैडियो का भी इरादा रखते हैं आगे बढ़ाने का? हाँ, शौक कर रहे हैं तो बस ये भी 4-5 माल रहता है। सही, ये पल जाता है इन्हीं के बीच में, इन्हीं का सारा कचरा रौनक लगाए रखती है। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह से फिरोज भाई, बहुत जबरदस्त कलेक्शन आपने रखा है। जब आपके पास विजिट करते तो आपका शौक देख के जो है माशाल्लाह से तबीयत खुश हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे जो शौक करना चाहते हैं गुलाबी का, और जो जिस तरीके का भी कर रहे हैं शौक, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? थोड़ा सा आगे आएगा तो देखें, अपना राहिल भाई ये तो शौक है, हर कोई देखे अपना हिसाब से शौक करता है, जिसकी जितनी जेब होती है। हमारे पास दोस्त हैं वो लोग ये बोलते हैं यार ये लोग झूठ बोलते हैं, फेक होता है। ठीक है, तो जब हमने भी शौक शुरू करा था, शुरू करने वाले थे, हम भी यही समझते थे सब झूठ है। बिल्कुल, लेकिन जब बकरियाँ ली और समझ आया कि आपने जो नॉर्मल बकरी रखा है उसमें और इनके अंदर ना जमीन आसमान का, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, ये तो हकीकत है, रखता है देखता है फिर समझ आती है। ऐसा तो मार्केट में लालू खेत में दौड़ में आपको मिल जाएगी, बिल्कुल, लेकिन ब्लड लाइन वाली और अच्छी चीज जो है ना, फिर जो उसके बच्चे भी ऐसे हैं जिनके गोल गोल चेहरे हो, बिल्कुल झाल रहे हो, फिर वो तो आप कहते कि यार हर बकरी को आप, मेरा मशवरा सबके लिए ये है, अगर आपके पास इस्तेमाल है तो बंदा देखे नॉर्मल बकरी भी पालता है, सुन्नत के शौक से पालता है, तो उससे अच्छा ये कि आप कम पालो अच्छी चीज पाल लो। बिल्कुल, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी और ये खूबसूरत चीज है, मजा भी आता है। सही, बंदा देखे मेहनत, आप मैं नॉर्मल बकरी भी लाऊंगा, मेरी मेहनत वही है, मेरी टाइमिंग वही है, मेरा घास सारा खर्चा वही है। सही है, लेकिन उसका बच्चा आप ज्यादा से ज्यादा बहुत हद मार लोगे 12,000 से 15,000 का बेचोगे, इसका बच्चा वर्स्ट कंडीशन में भी आएगा 25,000 रुपए का। सही, और अच्छी कंडीशन, अच्छी कंडीशन में आ गया तो लाखों में। सही, सही। लेकिन वही लेगा जो शौक को समझता होगा, हर कोई तो नहीं लेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा हर कोई गालियां ही बकेगा कि लाख रुपए मांग रहा है पैदाइशी। बिल्कुल, देखें फिरोज भाई ने जो आपको गाइड करने की कोशिश की, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँ कि अपना शौक करें नॉर्मल बकरियों के साथ आप करें, जब आप थोड़ा सा समझ जाएं बकरियों को, उसके बाद जो है अपना आप क्वालिटी की तरफ जाएं। जिस तरह माशाल्लाह से फिरोज भाई ने, पहले भी माल इनका बहुत ज़बरदस्त था, वही अक्सर माल इनके पास खड़ा है, इनके पास कुछ एडिशन हुआ है तो इनके करना पड़ता है, तो उन्होंने अपग्रेड किया वक्त के साथ साथ, उनको समझ आई तो ही अपडेट किया, किसी की बातों पर आके नहीं अपडेट किया, उन्होंने वक्त लिया, थोड़ा सा चीज़ों को समझा, अपनी ब्रीड बनाई, उसके बाद अपनी ब्रीड को संभाला और मजीद उसमें चीज़ें जो है ऐड करते रहे। तो आप लोग अपना शौक जो है इस तरह उसको कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, माशाल्लाह से बहुत अच्छा शौक। बहुत शुक्रिया राहिल भाई, आपका भी आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नहीं सर, ये हमारा काम है कि अच्छे शौकीन को हाईलाइट करना, और माशाल्लाह से जो भरपूर शौक कर रहा है उसको हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, ताकि उनके शौक में भी इजाफा हो और साथ साथ हमारे शौक में भी इजाफा हो। माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो थी, मुझे बड़ा पसंद आया, बड़ा मज़ा आया, उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। और फिरोज़ भाई के माल के लिए आप लोग ज़रूर दुआएं करिएगा, इनके माल में मज़ीद अल्लाह बरकत दे और इसी तरह इनका शौक जो है बढ़ता जाए, ताकि हम आइंदा जब आएँ तो माशाल्लाह से इससे ज़्यादा क्वालिटी के अंदर इनके पास बकरियाँ हों और इनका शौक जो है चलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, और हमारा यूट्यूब चैनल आगरा फार्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।